अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी YouTube फैमिली, अल्लाह करे हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हमारी मस्जिद में मिलाद है तो वहाँ जा रहे हैं। आप ये झंडा मेरे घर में लगा हुआ है तो इससे इफ्तिताह कर रहे हैं। चलते मस्जिद में और खैरात का अहतमाम भी है और भी मिलाद भी है तो वहाँ चलते हैं। अभी मस्जिद मैं और वसीम वहाँ जा रहे हैं। जुमा का दिन है, जुमा का दिन सबको मुबारक। मैं और वसीम इस टाइम जा रहे हैं मिलाद पार्क पर। मिलाद पार्क पर जाएंगे और सलाम करो वसीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह करे आप भी ठीक हो। वसीम भी आ चुका है चोलिस्तान से। हाँ, ये भी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह चोलिस्तान से आ चुका है। तो जी पूरे 10 दिन लगा के है, मुझसे दूर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पहुँच गए। तो अभी चलते हैं मस्जिद तो वहाँ मिलाद पार्क पर जो भी है तमाम होगा दिखाऊँगा। माशाल्लाह कारीगर हमारा बना रहा है और यहाँ पर जो है ना टमाटर मिर्ची का इंतज़ाम है और यहाँ पर मिसाला जो बन चुका है इनके साथ जो है ना हर देख में पड़ेगा। ये मिसाला इसमें उसके इसमें भी चावल डाल चुके हैं। माशाल्लाह मिसाला भी पर छोले भी डाल रहे हैं इसमें। मेरा नहीं है, हाँ छोले छोले हैं, ठीक है छोले। ये देखे चढ़ चुके हैं तो माशाल्लाह वो हमारी मस्जिद पाक रही। सब मिसाले वगैरह ये है रही हमारी मस्जिद माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत मस्जिद है हमें विलेज की। तो भाई इसके बाद ना अभी बंदे आने शुरू होंगे तो अभी इंतज़ाम शुरू देंगे, पहले शुरू कर दिए। तो ये हमारी मस्जिद का ये रहा टीन, बहुत खूबसूरत है हमारे विलेज में। ये देखो जहाँ जिस तरफ भी है ना तो सारा देहात देहात आपको सब कुछ आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद इधर बंदे देखना कितना होंगे। तो इस टाइम यहाँ चारवा लोग आए हुए हैं हमारे इस साइड पर, तो माशाल्लाह ये सब चावल ही चावल है। हमारे इलाके में जो है ना चावल और गन्ना ज़्यादा होता है और कपास। ये इस तरफ जब भी देखेंगे जिस तरफ चावल ही होगा। मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस चाँद का चाँद भी आशिक है वो चाँद है तोरे दामन में। जिस चाँद का चाँद भी आशिक है वो चाँद है तोरे दामन में। महबूब खुदा का आया है आनंद आंगन में। कोई नाच नहीं
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदाने वाले तमाम शाहान रसूल बिलखुसूस आपके इमाम खतीब बरादरी मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद तैयब अल मदनी तमाम अल्लाह सब की काविशों को भी दिया कर दिया लाका आपकी खातिर जिक्र प्यारे हबीब आपके जिक्र जन्नत में दाखला भी अल्लाह के हुक्म से होगा लेकिन जन्नत के दरवाजे पे बैठा हजरत रिजवान है भाई नमाज भी मखलूक के जिम्मे रिस्क का लिखना भी फरिश्ते के जिम्मे माँ के पेट में शक्ल बनानी है फरिश्ते के जिम्मे रूह कब्ज करनी है फरिश्ते की जिम्मेदारी जब सारे काम अल्लाह ने मखलूक के जिम्मे लगाए लेकिन जब बारी आई महबूब की अजमत की महबूब की शान की तो ये नहीं फरमाया इंसान शान बुलंद करे या जिन्नात शान बुलंद करे या फरिश्ते मेरे महबूब की शान बुलंद करे पर मैं नहीं सारे काम तुम करो मोहम्मद की अजमत को मैं खुद खुदा बुलंद कर रहा हूं इतना बुलंद है वजह क्या है क्यों बुलंद अल्लाह ने अपने जिम्मे क्यों ली है इसलिए कि मखलूक के जिम्मे हो इंसान के जिम्मे हो फरिश्तों के जिम्मे हो तो इंसान उतना बुलंद कर सकता है जितना इंसान की हद है मिलाद बरकत है तवज्जो है मिलाद हुजूर दा बरकत है सुभान अल्लाह मतलब और तरीके से बदलते रास्ते अल्लाह सारे ने काशी को कबूल फरमाए आमीन इसके हलाल कारोबार इज्जत इल्म अमल खैरबाद मकान मकीने दे विच अल्लाह खूब रहमतां दे बरकत अल्लाह वाह वाह आमीन अल्लाह वाह जिनको औलाद अता फरमाई है उनको वालिदैन का फरमा बरदार बना या रब्बल आलमीन हमें दीन सीखने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमा इलाही दुआसा कुनी मुश्किलात तुफैल मोहम्मद अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना محمد مبارك وسلم صلى الله عليه وسلم الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك امين يا رب العالمين سب کی خیر ہو